इतना विध्वंस क्यों गोविंद? कोई अन्य मार्ग नहीं था? नहीं सखी, इसी बात का तो दुख है। जिस वृक्ष पर कड़वे फल लगते हों, उस वृक्ष को उखाड़ कर मधुर फल देने वाला वृक्ष लगाना पड़ता है। उसी वृक्ष को अधिक खाद पान देने से या उसकी टहनियों को काट छांट करने से फल मधुर नहीं हो जाते। भविष्य को शुद्ध करने हेतु इस अशुद्ध वर्तमान को तोड़ना अनिवार्य था। आज रक्त से नहाकर ये संसार शुद्ध हो गया है।